नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं स्कोप एंड करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स 12वीं यानी कि 12th साइंस के बाद यही सोच में पड़ जाते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों, 12th के बाद हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे कई लोग इंजीनियरिंग, कई लोग मेडिकल में जाते हैं, तो कई लोग हायर स्टडीज में जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक्सट्रीम जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या करियर कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। सो बेसिक डेफिनेशन कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द बायोलॉजी। इन सिंपल डेफिनेशन जैसे हम लोग कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्रोसेसेस टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इतना वास्ट है कि हमारा लाइफ, हमारा सर्वाइवल भी बायोटेक्नोलॉजी के अलावा नहीं हो पाता है। कुछ मेंशंस करने के लिए मैंने एप्लीकेशन यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे थेरेप्यूटिक्स यानी कि कुछ ड्रग्स मॉलिक्यूल जैसे हम लोग बोलेंगे, तो उसमें हमने एग्जांपल के तौर पर बताया है जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो हमारे डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे जीन थेरेपी जो कई ऐसे जेनेटिक डिसीज है उसके लिए भी जीन थेरेपी यूज करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पीसीआर एलाइजा भी जान सकते हैं। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे ब्रिंजल यानी कि बैंगन, बीटी कॉटन, दीज आर दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, चीज, ब्रेड जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से ही बनाया होता है। आजकल जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। दोस्तों, ये रहा बेसिक आइडिया होने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन या जानकारी। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर करियर करना है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। यूजुअल ग्रेजुएशन जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी 3 ईयर का कोर्स है। 12वीं साइंस के बाद हमें 55 या 60% अगर मार्क्स मिलते हैं तो हम लोग इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट हमें चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एवरेज फीस है 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक। इन जनरल एडमिशन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड होती है, लेकिन कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है आजकल सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं उनमें एज ए इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है, जैसे बीएससी प्लस एमएससी साथ में ही विद एंट्रेंस या फिर विदाउट एंट्रेंस भी कई जगह ये कोर्सेस शुरू है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद रिप्रेजेंटेटिव तौर पर हम लोग थोड़े से एम्प्लॉयमेंट रोल्स देखेंगे, जैसे मेडिकल राइटर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, मेडिकल कोडर है, बिजनेस एनालिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट एक्सेट्रा। टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स हैं जीनोमिक बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक प्रोडक्ट्स, कैंसर बायोलॉजी एक्सेट्रा। अगर हम ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं तो हमें एवरेज सैलरी मिलती 4.5 लाख पर एनम तक, लेकिन एज पर माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड सजेस्ट कि हमें ग्रेजुएशन के बाद जॉब ना करते हुए हायर स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग हायर स्टडीज पे जैसे एमएससी के लिए जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो स्कोप ओपन रहेगा वो बीएससी के बाद जो स्कोप मिलता है उससे कई ज्यादा वाइड रहेगा। अब हम देखेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो हम देखेंगे। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को एडमिशन लेने के लिए हमें बीएससी चाहिए, साथ में एक लाइफ साइंस का सब्जेक्ट चाहिए जैसे सच एज बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ साथ मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। दोस्तों, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन के लिए पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस होती थी, लेकिन फिलहाल कई ऐसे यूनिवर्सिटीज जैसे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी सेपरेट एंट्रेंस होती है, तो उसके लिए हमें वो एंट्रेंस पास होना है। उसके साथ साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जैसे मार्क्स, परसेंटेज या फिर ये सब्जेक्ट टॉपिक्स, वो भी बेहद जरूरी है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो 2 साल का रहेगा। इसके साथ साथ इसकी मिनिमम फीस 40,000 से लेकर 2 लाख तक है। जैसे कई सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें फीस कम है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनमें फीस ज्यादा है। अब हम देखेंगे करियर आफ्टर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद ज्यादातर हमारे कैंडिडेट्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिक्रूट किए जाते हैं। ये दो जो सेक्टर है जो मैंने बताए हैं वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं हमारे देश में। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जनरेट्स अबाउट 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे इन तीनों के मैंने यहाँ पर ब्रेकअप दिया है तो आप चेक कर सकते हो।
ये जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप जो है, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है भारत बायोटेक है, सैंता बायोटेक बायोटेक है, या फिर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी सच एज डॉक्टर रेड्डीज है, रैनबैक्सी, वोकार्ड लिमिटेड एक्सेट्रा, या फिर एमर्जिंग स्टार्टअप, इन सभी सेक्टर्स में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं। और दोस्तों अभी की जो फिलहाल पोजीशन हम लोग अगर देखेंगे तो पोस्ट कोविड जो एरा चल रहा है वहां पर कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या फिर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है, वहां पर मैन पावर की रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग इस स्ट्रीम का इम्पोर्टेंस क्या है जान सकते। यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो पोजीशंस या फिर एम्प्लॉयमेंट जो डेजिग्नेशंस है वो मैंने मेंशन किए हैं, किस किस स्ट्रीम में हम लोग काम कर सकते हैं वो भी मेंशन किया है। जैसे ये फर्स्ट वन है जो क्वालिटी एश्योरेंस है, सेकंड वन है क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड है क्लिनिकल रिसर्च, फोर्थ फार्माको विजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, या फिर हम लोग इससे भी बेहतर करना चाहो तो हम लोग पीएचडी के लिए जा सकते हैं। कई ऐसे पब्लिकेशन हाउसेस है जैसे स्प्रिंगर नेचर है, एल्सवेयर है, उनमें भी हम लोग एज अ साइंटिफिक राइटर काम कर सकते हैं, या फिर मार्केट रिसर्च में काम कर सकते हैं, एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग एस्पिरेशनल है तो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करके कई ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे जूनियर रिसर्च फेलो है या फिर रिसर्च एसोसिएट के जॉब है वहां पर जा सकते हैं, या फिर एज अ लेक्चरर सीनियर कॉलेज या जूनियर कॉलेज में हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जैसे सैलरीज ऑफर्ड आफ्टर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएशन के कम्प्लीशन के बाद इनिशियल हमें सैलरी मिलती है 10,000 से लेकर 30,000 तक, बट आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस एज वेल एज द एनहांसमेंट ऑफ देयर प्रोफेशनल स्किल्स सैलरी कैन बी इंक्रीज अप टू 2 to 10 lakhs पर एनम। दोस्तों अब तक हमने देखा था कि बीएससी एमएससी के बाद स्कोप क्या है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है और क्या 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 करियर अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पीएचडी क्यों करना है और पीएचडी करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त या कलीग के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।